हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की वीडियो है हमारी क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट इंग्लिश, एंड द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू रीड टुडे इज द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वन समर्स डे ए फॉक्स वॉज पासिंग थ्रू An orchid faint he was and hungry too. एक गर्मियों का दिन था जब एक फॉक्स जो था एक बगीचे के पास से गुजर रहा था, और जब वो बगीचे के पास से गुजर रहा था उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा भूखा था और थोड़ा कमज़ोर था, कमज़ोर महसूस कर रहा था। faint का मीनिंग होता है कमज़ोर, हंग्री होता है भूखा, एंड ऑर्किड का मीनिंग होता है बगीचा। ठीक है, तो एक गर्मियों का एक दिन था जब एक फॉक्स जो था एक बगीचे के पास से गुजर रहा था, उस टाइम पे वो कमज़ोर और थोड़ा सा भूखा था। व्हेन सडनली हिज कीन आई चांस टू फॉल अपॉन ए बंच ऑफ ग्रेप्स अपॉन द वॉल, तब अचानक से उसकी उत्सुक आँखें, कीन का मीनिंग होता है उत्सुक, तब अचानक से उसकी आंखें जो हैं वो एक बंच ऑफ ग्रेप्स के ऊपर पड़ती हैं जो कहाँ पे होता है, एक दीवार के ऊपर लटका हुआ होता है। बंच ऑफ ग्रेप्स क्या होते हैं, अंगूर का गुच्छा, बंच होता है गुच्छा। तो अचानक से उसकी आंखें जो हैं वो एक बंच ऑफ ग्रेप्स के ऊपर पड़ती हैं जो एक दीवार के ऊपर होता है। हा जस्ट द थिंग ही सैड हु कुड रिजिस्ट इट, यही एक चीज़ है जो मेरी भूख को मिटा सकती है। तो फॉक्स बहुत ज़्यादा खुश होकर क्या कहता है, हा जस्ट द थिंग, यही वो एक चीज़ है, ही सेड, वो कहता है, हु कुड रिजिस्ट इट, जो उसकी भूख को उसकी लालसा को जो है वो मिटा सकता है। रिजिस्ट का मीनिंग होता है कंट्रोल वन सेल्फ। ही आइड द पर्पल क्लस्टर जम्प्ड एंड मिस्ड इट, उसकी आंखें जो थी वो उस पर्पल कलर के जो ग्रेप्स थे, क्लस्टर का होता है मीनिंग गुच्छा, ठीक है, बंच का मीनिंग भी गुच्छा होता है और क्लस्टर का मीनिंग भी गुच्छा होता है। तो उसकी आंखें उस पर्पल कलर के जो ग्रेप्स थे, जो ग्रेप्स का गुच्छा था उसके ऊपर पड़ती हैं, और वो जंप करता है और मिस कर देता है, उन ग्रेप्स को मिस कर देता है। व्हाट डज इट मीन, कि जैसे ही वो उन ग्रेप्स को देखता है, उन अंगूर के गुच्छों को देखता है, तो उसके मन मन में एक लालसा उठती है कि यही एक चीज़ है जो मेरी भूख को मिटा सकती है। तो वो क्या करता है, जंप करता है उन अंगूर के गुच्छों के ऊपर, बंच ऑफ ग्रेप्स के ऊपर, एंड मिस्ड इट, और वो मिस कर देता है, उनको पकड़ नहीं पाता है। अहम ही कफ्ड, वो हल्के से खांसता है, खांसी करता है, एंड आई विल टेक मोर केयरफुल एम, और खुद से कहता है कि मैं इस बार एक बहुत ही ध्यान से एम लगाऊंगा, इन अंगूर के गुच्छों के ऊपर मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक इस बार एम लगाऊंगा, पहली बार तो मैंने मिस कर दिया, लेकिन अब सेकंड टाइम जो है मैं इन जो बंच ऑफ ग्रेप्स हैं इनको ले लूंगा, इनको पकड़ लूंगा। एंड ही स्पैंग अगेन, रिजल्ट्स वर मच द सेम, और वो फिर से कूदता है लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता, उसको रिजल्ट जो मिलता है वो सेम मिलता है, जैसे वो पहले नहीं पकड़ पाता है इस बार भी वो जंप करता है लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आता है। Although his leaps were desperate and high, जबकि उसकी छलांग और उसकी जो लालसा थी उन अंगूर को पाने की वो बहुत ज़्यादा हाई थी, बहुत ज़्यादा ऊंची थी। At length he paused to wipe a tearful eye, और अंत में वो क्या करता है, अपनी नम आंखों के साथ वो एकदम रुक जाता है, एक लंबी सांस लेता है। And shrug a shoulder, I am not dry, और अपने कंधों को हल्के से हिलाते हुए कहता है कि मुझे इन अंगूर की, इस बंच ऑफ ग्रेप्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट में क्या कहता है वो, एंड लंच इज वाउंड टू कम विद इन द आवर, अपने शोल्डर्स को हिलाते हुए और खुद को ये कहते हुए कि मुझे इन अंगूर के गुच्छों की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड लंच इज वाउंड टू कम विद इन आवर, जबकि मेरा जो लंच है, मेरा जो दोपहर का खाना है, वो मैं एक घंटे के अंदर जो अभी करने वाला हूँ। Besides, he said, I am sure those grapes are sour. हालांकि वो क्या सोचता है, वो क्या कहता है कि I am sure those grapes are sour, कि ये जो grapes हैं, ये जो अंगूर हैं, ये खट्टे हैं। तो
बच्चों आपने ये कहानी सुनी ही होगी पहले से, तो आज फिर से हमने इसके बारे में पढ़ा है। जो किसने लिखी है? जोसेफ लॉरेन ने लिखी है। मैं फिर से एक बार आपको इस पोइट की शॉर्ट समरी बता देता हूँ। एक समर डे में क्या होता है, एक फॉक्स जो है वो एक बगीचे के पास से गुजर रहा होता है। उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ही ज़्यादा भूखा होता है। तो अचानक से उसकी नज़र जो है वो एक अंगूर के गुच्छों के ऊपर पड़ती है, बंच ऑफ ग्रेप्स के ऊपर पड़ती है, जो एक दीवार के ऊपर लटके होते हैं। तो उनको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है कि आज तो मैं इन ग्रेप्स को जो है वो खा के ही रहूँगा। तो वो क्या करता है, वो जंप करता है उन ग्रेप्स के ऊपर, लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है, वो उनको पकड़ नहीं पाता है। तो फिर वो क्या कहता है, वो अपने आप में एक दिलासा दिलाता है अपने आप को कि कोई बात नहीं, अब मैं नेक्स्ट जंप जो है वो बहुत ही केयरफुल तरीके से लगाऊंगा और इन बंच ऑफ ग्रेप्स को मैं पकड़ लूंगा, इन अंगूर को मैं उतार लूंगा। तो वो फिर से छलांग लगाता है, लेकिन उसको रिजल्ट उसका वही पहले की तरह ही मिलता है। फिर से उसके हाथ में अंगूरों का जो गुच्छा है वो नहीं आता है, जबकि उसकी छलांग और उसकी जो लालसा थी उन अंगूरों को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई थी, बहुत ही ज़्यादा ऊंची थी। तो अंत में वो एक लंबी सांस लेता है और आंखें नम करके और अपने कंधों को हिलाते हुए ये कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे इन अंगूरों की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा तो लंच जो है वो 1 घंटे के अंदर होने वाला है, 1 घंटे के अंदर मैं अपना लंच करने वाला हूँ। बिसाइड्स ही सेड, और उसके बाद वो ये भी कहता है कि आई एम श्योर, मुझे ये यकीन है कि ये जो ग्रेप्स हैं, ये जो अंगूर हैं, ये बिल्कुल खट्टे होंगे। दोज ग्रेप्स आर सॉवर। तो बच्चों आपको आज की स्टोरी जो है वो अच्छी भी लगी होगी और आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी हुई होगी। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इसी लेसन के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। रीड द पोइम केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपने पोइम को पढ़ा है, अब इन फिल इन द ब्लैंक्स को हम फिल करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट के साथ। दी फॉक्स वॉज फीलिंग फेंट बिकॉज, फॉक्स था जो वो फेंट फील कर रहा था, मीन्स कमजोरी फील कर रहा था। क्यों? क्योंकि उस समर को जो था, उस दिन जो था वो समर का सीजन था, गर्मी का दिन था और वो भूखा भी था। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इसमें आएगा बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड इट वॉज अ समर डे, एंड इट वॉज अ समर डे, ठीक है? ये आएगा फर्स्ट फिलअप में। सेकेंड, व्हाइल पासिंग थ्रू एन ऑर्कैड, ORCHARD, ऑर्कैड मीन्स बगीचा, ही सडनली स्पॉटेड अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ओके, ये आएगा हमारा सेकेंड फिलअप में। थर्ड फिलअप में आएगा ही ट्राई टू गेट एट इट बाई जंपिंग, वो उन ग्रेप्स पे पहुंचने की जरूरत कर रहा था, क्या करके, जंप करके, कूद के, बट ऑलवेज मिस्ड इट, लेकिन वो हमेशा उसको मिस कर देता है, बट ऑलवेज मिस्ड इट। ऑल राइट, फोर्थ फिलअप, ही वाइप्ड हिज टीयरफुल आईज बिकॉज ही डिड नॉट गेट द ग्रेप्स, बिकॉज ही डिड नॉट गेट दी ग्रेप्स। ऑल राइट, ये हो गया हमारा फोर्थ फिलअप। फाइनली ही डिसाइडेड टू गिव अप ट्राइंग, और लास्ट में उसने क्या ये डिसाइड कर लिया कि वो अब एक भी कोई अब उन ग्रेप्स को पाने के लिए कोई भी ट्राई नहीं करेगा। ही गेव अप ट्राइंग, ही गेव अप ट्राइंग टू प्लक द ग्रेप्स, टू प्लक दी ग्रेप्स। ऑल राइट, लास्ट है, ही कंफर्टेड हिमसेल्फ विद द थॉट दैट द ग्रेप्स वर सॉर, दैट दी ग्रेप्स वर सॉर। और लास्ट में वो क्या सोचता है कि वो जो अंगूर हैं वो खट्टे हैं, और उसी के साथ वो अपनी हार मान लेता है। वो हार मानता नहीं है, लेकिन वो ये क्या बोल देता है कि वो ग्रेप्स खट्टे हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंप्रीहेंशन का A1 पार्ट।
नेक्स्ट चलते हैं हम ए टू की तरफ. चूज द आंसर क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द फ्रेजेस गिवन बिलो. इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपने चूज करना है. वट डज द फॉक्स मीन वेन ही सेज दैट द रिजल्ट वर मच द सेम. इसका आंसर आएगा द फॉक्स वॉज एबल टू रीच द बंच ऑफ ग्रेप्स. नो. द फॉक्स एट ऑल द ग्रेप्स हिमसेल्फ. नो. द फॉक्स कुड नॉट रीच द ग्रेप्स. तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट. सी के ऊपर आपने टिक करना है. द पर्पल क्लस्टर मीन्स. पर्पल क्लस्टर का मीनिंग क्या होता है? द पर्पल कलर्ड बेरीज. नो. द पर्पल कलर्ड ग्रेप्स. ठीक है, ये इसको होता है पर्पल कलर के ग्रेप्स. द लीव्स वर डेस्परेट एंड हाई बिकॉज द फॉक्स वॉज, इसका आएगा ए पार्ट, एक्सट्रीमली हंग्री एंड द ग्रेप्स वर वेरी टेम्पटिंग. ऑल राइट, नाउ लेट अस मूव टू द फोर्थ पार्ट. By saying the grapes were sour, the fox meant that the grapes were beyond his reach and he did not want to admit defeat. B part is ka answer aayega. Aage badhte hain A3 part ki taraf. Here are some adjectives that appear in this poem. Tick the ones you think describe the fox. Then write the reason why you think so. Is boxes ke andar kuch adjectives diye hue hain jo डिस्क्राइब कर रहे हैं फॉक्स को, तो उन एडजेक्टिव्स को आपने टिक करना है. तो जैसे फर्स्ट हंग्री, ये भी एडजेक्टिव है, इसके ऊपर टिक करेंगे. हैप्पी, नो. सैड इज एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स द फॉक्स. डेस्परेट इज एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स द फॉक्स. देन लेजी इज द एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स द फॉक्स. लेजी क्यों? क्योंकि वो उसने कोशिश नहीं की. फॉक्स ने एक बार फिर से दो बार कोशिश की, लेकिन उसने तीसरी बार या आगे नेक्स्ट कोई भी कोशिश नहीं की उन ग्रेप्स को लेने के लिए. तो ये भी उसके करैक्टर को दर्शा रहा है. नेक्स्ट इज द प्राउड. दिस इज आल्सो एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स द फॉक्स. नाउ लेट अस मूव टू द B1 पार्ट ऑफ एप्रिसिएशन. लुक एट द वर्ड्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ द पोइम. डू दे राइम. मेक ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट राइम इन दिस पोइम. आपने इसमें क्या करना है, पोइम की फर्स्ट टू लाइन्स में से कुछ राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं. जैसे मैंने पहले से ही इसमें से राइमिंग वर्ड्स ढूंढ के रखे हुए हैं. आप पोइम देखिए, फर्स्ट टू लाइंस की जो पोइम है उसमें फर्स्ट लाइन में जो है वो आ रहा है थ्रू. यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ थ्रू. और इसके साथ जो राइमिंग वर्ड्स सेकेंड लाइन में मैच कर रहा है वो कौन सा है? टू. थ्रू टू. राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं जो बोलने में एक जैसे प्रोनाउंस होते हों. ठीक है, तो ये फर्स्ट राइमिंग वर्ड आ गया. अगर आप अपनी बुक पे जो पोइम है उसमें थर्ड और फोर्थ लाइन देखेंगे तो उसमें आपको थर्ड लाइन में क्या कौन सा राइमिंग वर्ड आएगा, एक फॉल, और उसके साथ आएगा आपका मैच करेगा वॉल. फिर थर्ड नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा एम और सेम. ठीक है, एम एंड सेम. इसके बाद जो आएगा वो आएगा हाई, आई, एंड इसी के साथ एक और आएगा ड्राई. ऑल राइट, नेक्स्ट आएगा और, एंड इसके साथ आएगा सॉर. ठीक है, ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हो गए B1 पार्ट के. नेक्स्ट मूव करते हैं B2 पार्ट की तरफ. फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग राइमिंग वर्ड सीरीज. वन इज डन फॉर यू. यहाँ पे ये बॉक्स के अंदर आपको राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें से चूज करना और नीचे आपने फिलअप भरनी है. जैसे फर्स्ट करके दिया है पिन, सिन एंड चिन. नेक्स्ट मैन है, मैन के साथ कौन सा मैच कर रहा है? टैन. राइमिंग वर्ड्स देखिए, टैन, मैन और कौन सा आएगा? प्लान. ठीक है, ये वाला, इसमें ये दो आए, ये सेकंड में आया, ये भी सेकंड में आएगा. थर्ड में देखिए चैंट है, चैंट के साथ कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं? एक आएगा प्लांट, प्लांट. ठीक है, प्लांट आया थर्ड में. और इसके साथ सेकंड कौन सा आएगा? इसके साथ आएगा आंट, AUNT. ये भी थर्ड राइमिंग वर्ड. फिर फोर्थ में है सैंग. सैंग के साथ कौन सा आएगा? बैंग आएगा पहला. देखिए दोनों बोलने में एक थोड़े मैच कर रहे हैं, बैंग, सैंग. और कौन सा आएगा? हैंग, HANG. बैंग, हैंग, सैंग. फिर बट, शर्ट और लास्ट में कट. ठीक है, ये हो गया. इसके बाद अब बढ़ते हैं हम B3 पार्ट की तरफ. कंप्लीट द गिवन नर्सरी राइम्स विद द करेक्ट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन इन द बॉक्स. नर्सरी राइम्स के ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपने सही जगह पे फिल करना है. जैसे डिंग डोंग बेल, पहले में क्या आएगा? बेल. पुसीज इन द
वेल, यहाँ पे डब्ल्यू ई डबल एल, हु पुट हर इन, लिटिल जॉनी थिन, हु पुल्ड हर आउट, लिटिल जॉनी स्टाउट, ओके, व्हाट अ नॉटी बॉय वॉज दैट, टू ट्राई टू ड्राउन पुअर पुसी आउट, ओके, ये हो गया आपका बी थ्री. नेक्स्ट भी नर्सरी राइम है, फ्रॉग्स जंप कैटरपिलर्स हम्प, ये आप ऊपर आपको बॉक्स दिया हुआ उसमें से आपने चूज करके फिलिप्स भरनी है. ये वॉर्म्स विगल बग्स जिगल, रैबिट्स हॉप हॉर्सेस क्लैप, स्नेक्स स्लाइड सीगल्स ग्लाइड, माइस क्रीप डियर लीप, पपीज बाउंस किटन पाउंस, एंड लास्ट वन लाइन्स स्टॉक व्हाट आई वॉक. ठीक है, ये हो गया आपका ये वाला पार्ट. नेक्स्ट चलते हैं हम सी पार्ट की ओर, साउंड्स एंड प्रोनंसिएशन. इसमें से कुछ नहीं है करने के लिए, इसके बाद हम करेंगे अपना लास्ट वाला क्वेश्चन, दैट इज सी वन. सर्कल द वर्ड्स इन विच द ई डी एंडिंग हैज अ टी साउंड. इसमें से आपने उन वर्ड्स को सर्कल करना है जो ई डी के साथ खत्म हो रहे हैं और बोलने में टी की साउंड दे रहे हैं, एंडिंग हैज अ टी साउंड और लास्ट में जो है वो टी साउंड दे रहे हैं. तो इसमें से जैसे क्रॉप्ड, देखिए टी की साउंड आ रही है लास्ट में. उसके बाद गेज्ड, ये नहीं है. रोम्ड, ये भी नहीं है, डी की साउंड आ रही है. लीक्ड, देखिए यहाँ पे टी की साउंड आ रही है और लास्ट में ई डी है. हस्ट, ये भी है, टी की साउंड आ रही है. शेफ्ट, ये भी देखिए टी की साउंड आ रही है. टॉस्ट, ये भी टी की साउंड आ रही है. रॉक्ड, ये भी टी की साउंड आ रही है इसमें. तो उन उन वर्ड्स को आपने सर्कल करते जाना है. क्लाइम्ड, जे नहीं होगा. पिच्ड, देखिए टी की साउंड आ रही है. लॉस्ट में नहीं, क्रस्ट में भी नहीं, कोस्ट में भी नहीं. रिप्ट, देखिए इसमें भी आ रही है रिप्ट. एंड फील्ड में नहीं. तो ये आपके हैं वो वर्ड्स जिसके लास्ट में ई डी है और टी की साउंड दे रहे हैं. आगे देखिए, फाइंड थ्री वर्ड्स ईच दैट एंड इन द साउंड्स शोन इन द टेबल, देन राइट देयर ई डी फॉर्म्स एंड रीड देम अलाउड करेक्टली. अब साउंड हमारी यहाँ पे पी है, तो आपने यहाँ पे वर्ड्स बनाने हैं जो पी के साथ खत्म हो रहे हों. जैसे फर्स्ट वर्ड मैंने बनाया, यहाँ पे आप खुद से बना सकते हैं, क्रैप. सेकंड वर्ड मैंने बनाया कैप, ठीक है. और थर्ड वर्ड मैंने बनाया चॉप, ठीक है, पी के साथ खत्म हो रहे हैं. और इसकी ई डी फॉर्म लगानी है. जैसे क्रैप का क्या बन जाएगा, क्रैप्ड, डबल पी ई डी. कैप का क्या बन जाएगा, कैप्ड. और चॉप का क्या बन जाएगा, चॉप्ड. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट हमारा. उसी तरह से सेकंड वाला करेंगे हम. सेकंड में किसकी साउंड है, के की साउंड है. तो के की साउंड वाले वर्ड्स आपने यूज करने हैं और लास्ट में के लगाना है जिसके. तो के जैसे आ जाएगा, फर्स्ट वर्ड है जैसे मैंने लिया रॉक, तो रॉक का क्या बन जाएगा, ई डी लगा के, रॉक्ड. ठीक है, नेक्स्ट दूसरा वर्ड जैसे है, दूसरा वर्ड आएगा जैसे टॉक, टी ए एल के, और इसका ई डी लगा के क्या बन जाएगा, टॉक्ड. थर्ड वर्ड आएगा वॉक, ये आप खुद से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ वही लिख रहे हैं, ये आप खुद से भी जो है वो बना सकते हैं. लेकिन ध्यान रखिए कि जो यहाँ पे साउंड दी है उसी के साथ वो जो वर्ड है वो खत्म होना चाहिए. तो वॉक का क्या बन जाएगा, वॉक्ड. ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर. नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या दिया है. नेक्स्ट पेज पे दिया है एस एच. एस एच के साथ कौन से वर्ड्स बनेंगे, जैसे फर्स्ट वर्ड बनेगा हमारा ट्रैश, टी आर ए एस एच. देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, एस एच, तो इसका ई डी फॉर्म में क्या बन जाएगा, ट्रैश्ड. ठीक है, क्रैश, सी आर ए एस एच, तो ई डी लगा के क्या बन जाएगा, ये क्रैश्ड. थर्ड वर्ड आएगा मैश, एम ए एस एच, एस एच आया तो ई डी लगा के बन जाएगा मैश्ड. ऑल राइट, नाउ एफ के साथ वो वर्ड बनाने जो एफ के साथ खत्म हो रहे हो. जैसे स्टिफ, एस टी आई डबल एफ, तो ई डी के साथ क्या बन जाएगा, ये स्टिफ्ड. नेक्स्ट बनाते हैं क्लिफ, सी एल आई डबल एफ, तो क्या बन जाएगा, सी एल आई डबल एफ ई डी. देखिए एफ के साथ ये खत्म हो रहे हैं. ठीक है,
नेक्स्ट बनाते हैं ब्लफ, BLU, टफ लफ, ब्लफ या फिर रफ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ब्लफ्ड, WFED। ऑलराइट, नाउ CH के साथ वो वर्ड बनाने हैं जो CH के साथ खत्म हो रहे हो, जैसे बंच, ये आपकी स्टोरी में से लिया है बंच। इसके बाद क्रंच, दूसरा राइमिंग वर्ड जो है वो क्रंच। एंड थर्ड इज द ट्रेंच, TRENS, तो इसका क्या बन जाएगा, ED लगा के, पंच्ड, क्रंच्ड एंड द लास्ट वन इज ट्रेंच्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे एक्सरसाइज वाला पार्ट कंप्लीट। तो आई होप आपको आज का जो हमारा लेसन है वो अच्छा लगा होगा और आपने अच्छे से अंडरस्टैंड भी किया होगा। जितनी भी एक्सरसाइज थी इसकी वो हमने आज इस वीडियो में पूरा कवर कर लिया है। तो आप ये वाली एक्सरसाइज जो है वो अपनी नोटबुक्स पे उतारिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर आज का लेसन आपको हमारा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।